हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरके। आरके कलनारी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से आपके साथ हाजिर हूँ नया टेक्निक के साथ। तो दोस्तों आज कुछ स्पेशल बनाएंगे जो आपके लिए आप घर में बना सकें और देखने के बाद में रेसिपी तैयार करके ज़रूर घर में बनाएं। तो दोस्तों आज कुछ ऐसा स्पेशल बनाएंगे जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो उसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों और खाने के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको खाना के और लेके जाते हैं। दोस्तों वीडियो ज़रूर पूरे देखें, बीच में स्किप ना करें। अगर वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करें और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों इंग्रेडिएंट के और क्या क्या लगने वाला है, किस तरीके से हम बना रहे हैं, क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, घर में किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो हम बनाने वाले हैं वो है चिली चिकन। होटल जैसा चिली चिकन घर में कैसे बनाएं और उसके लिए क्या क्या लगता है, तो दोस्तों स्क्रीन में देखिए, उसमें ऑनियन है, जिंजर है, ग्रीन कैप्सिकम है, फ्रेश रेड चिल्ली है, स्प्रिंग ऑनियन है और गार्लिक है। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे और इसी चीज़ से हम बनाएंगे चिली चिकन। चिकन लेंगे, हाफ किलो चिकन लेंगे हम। चिकन लेंगे छोटे छोटे करी कट पीस, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। और वेजिटेबल्स जो लेंगे यही है वो वेजिटेबल्स जो इसका हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कटा हुआ चिकन को हम आधा किलो चिकन को वॉश करके ले लेंगे। उसमें अब हम चिकन को मिक्स करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पहले नींबू डालेंगे इसमें, हल्का सा नींबू का बीज ना रह जाए इसमें, तो अच्छी तरीके से इसको नमक आप हम नमक डालेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से आप डालिए। अब नमक डाल के हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे पहले। अब इसमें हम अंडा डालेंगे। एक अंडा पूरा डालेंगे। अब उसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा चिल्ली पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, रेड चिल्ली पेस्ट का, जो लाल मिर्च का हमने पेस्ट बना के रखा है। आधा टीस्पून डालेंगे, क्योंकि हल्का सा इसमें स्पाइसी होना चाहिए। आप हम एक चम्मच मैदा डालेंगे इसमें, इसका बैटर बनाने के लिए। एक बड़ा टेबल स्पून मैदा लेंगे, एक बड़ा टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे। ये कॉर्नफ्लावर लेंगे एक टेबल स्पून। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा मैदा कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल ना करें, फिर ज़्यादा मोटा कोटिंग हो जाता है, तो उसके अंदर मसाला जो ग्रेवी के अंदर हम जब चिली चिकन डालेंगे तो वो ये नहीं होगा, उसके अंदर कोटिंग घुसेगा नहीं। कोटिंग इतना मोटा ना करें, क्योंकि उसके अंदर मसाला घुसना चाहिए। हल्का सा कोटिंग करें, ऊपर से क्रिस्प रहेगा और अंदर से सॉगी होना चाहिए, ग्रेवी में वो रहना चाहिए अच्छी तरीके से। अब इसमें थोड़ा हम मिक्स करने के टाइम थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें क्रिस्पनेस रहेगा और जो बैटर है वो क्लियरली एक एक करके पीस ही लेगा। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसको थोड़ी देर रखेंगे मसाला लगा के, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो हम इसको अब तो मसाला लगा लिया है। अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद हम इसको थोड़ी देर रखेंगे। उसके बाद जो है हम इसको अपना आगे का प्रोसेस बढ़ाएंगे। इसको थोड़ी देर रखेंगे, ऐसा मसाला उसमें मिक्स कर दिया है तो उसके अंदर मसाला घुसना चाहिए, उसके बाद में हम फ्राई करेंगे। तो चलिए दोस्तों चिकन तो हमने मार्नेशन कर दिया, अब हम इसका जो वेजिटेबल्स लगेगा, जो इंग्रेडिएंट लगेगा वो करते हैं। सबसे पहले ऑनियन क्यूब्स कर लेते हैं। ऑनियन को इस तरीके से क्यूब्स कर लें, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए। तो इसके साइड निकाल दें, क्योंकि ऑनियन को निकालने के लिए आसान तरीके से ये क्यूब्स बन के एक एक पीस निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमको उसको क्यूब्स कर लेना है।
हमें क्यूब्स की ज़रूरत है। इस तरीके से चिली चिकन में ऑनियन जो है क्यूब्स काट के यूज़ करते हैं, इस्तेमाल जो है इसी तरीके से होगा। ऑनियन कैप्सिकम का जो है चिली चिकन में होना मस्ट ज़रूरी है, और वो खाने के लिए भी उतना यमी होता है चिकन के साथ में, कॉम्बिनेशन होता है उसका। तो हम ये ऑनियन इतने इस्तेमाल करेंगे, एक ही ऑनियन का इस्तेमाल करेंगे हम, अब कैप्सिकम का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों सब्ज़ी जब भी मार्केट से लेके आएँ अच्छी तरीके से वॉश कर ले इसको, मैंने पहले से वॉश करके इसको रखा था, तो अच्छी तरीके से आप इसको वॉश कर सकते हैं। वॉश करने के बाद में इसको थोड़ी देर रख दें फिल्टर होने के लिए, उसके बाद में इसको क्यूब्स काट लें। तो दोस्तों मैं इस तरीके से अब इसको क्यूब्स काट लूँगा। इतना कैप्सिकम यूज़ करेंगे आप, जो इसमें यूज़ करेंगे मेन है चिल्ली, चिल्ली इस तरह काट लें। क्योंकि आजकल मार्केट से जो सब्जी आता है बहुत सारे मेडिसिन के ऊपर से होकर आता है, तो जब भी इस्तेमाल करें अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लें। तो चिल्ली को इस तरीके से काटें आप चिली चिकन के लिए, चिल्ली हो गया, ऑनियन हो गया, कैप्सिकम हो गया। अब हम इसका जो इंग्रेडिएंट है लेंगे वो जिंजर काटेंगे। जिंजर को हमको बारीक चाहिए, बारीक काटना है। बारीक लच्छा काट के इसको हमको चॉप कर लेना है। तो जब भी गार्लिक जिंजर का जो बारीक काटें अच्छी तरीके से बारीक कर लें। चाइनीज़ का जो काटिंग होता है ख़ास तौर पे बहुत ही फाइन काटिंग होता है, आप देख रहे होंगे मैं काट रहा हूँ, काफ़ी फाइन काट रहा हूँ मैं इसको। तो फ़िलहाल तो हमें इतना ही काफ़ी होगा, तो हम इसको इतना ही इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, काफ़ी है ये। अब हमारा जो ज़रूरत है वो है गार्लिक चाहिए। गार्लिक भी इसी तरीके से दोस्तों बारीक काटें, गार्लिक को पहले से पील कर लें, इसके बाद उसको हल्का सा प्रेस कर दें, क्योंकि आसानी से ये कट जाएगा। अब इस तरीके से इसको काट लें, ऐसे हमारा गार्लिक चॉप भी रेडी हो गया है। हमने आपके सामने इसलिए काट रहे हैं, हम चाहते तो पहले भी काट के रख सकते थे दोस्तों, हम इसलिए आपके सामने काट के दिखा रहे हैं। तो आप घर में जब भी इस्तेमाल करें किस तरीके से काटें, काटिंग की भी जो टेक्निक होती है अलग अलग होती है, तो आप इस तरीके से काट सकते हैं। हम अब थोड़ा प्याज का पत्ता जो है हरा प्याज का पत्ता का इस्तेमाल करेंगे, इसको भी इतना बड़ा बड़ा काटें, हम ज़्यादा नहीं लेंगे, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। तो दोस्तों ये काटिंग हो गए चिली चिकन के लिए, जो काटिंग चाहिए थी अदरक लहसुन चिल्ली और हरा प्याज ऑनियन क्यूब्स जो भी है सारे लग गए। तो ये सारे उसकी इंग्रेडिएंट है कटिंग के, तो इस तरीके से काटें आप जब भी काटें। फ्राई कर ले पहले, उसके बाद में हम सॉस के प्रोसेस में चलेंगे, तो पहले हम फ्राई करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ्राई। थोड़ी टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन फ्राई हो जाएगा आराम से, थोड़ा क्रिस्पीनेस निकालेंगे हम। चिल्ली चिकन जो है ड्राई बनाएंगे, जो चिल्ली चिकन जो है सबसे मस्त रहता है ड्राई, ड्राई खाने में बहुत ही मज़ा आता है। अब ये हो गया थोड़ा देर और टाइम लगेगा, इसको अच्छे से क्रिस्पी करना है। स्लो फायर में पका रहे हैं, चिकन अच्छा से कुक हो जाए, नहीं तो फायर ज़्यादा रहेगा तो चिकन ऊपर से काला हो जाएगा, अंदर से पकेगा नहीं। तो इसको अच्छी तरीके से हम पकाएंगे। दोस्तों हमने चिली चिकन के लिए चिकन जो है 1 किलो चिकन लिया है, विथ बोन में लिया है, बोनलेस नहीं है। अगर चाहिए तो आप बोनलेस इस्तेमाल कर सकते हैं,
हम इसका बित बोन इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ज़रूरत है आप बोनलेस यूज़ कर सकते हैं। बोनलेस अगर यूज़ कर इसे फ्राई होना चाहिए, थोड़ा गोल्डन कलर में आया हुआ है, थोड़ी देर और रखेंगे इसको, थोड़ा और थोड़ा क्रिस्पीनेस होगा। अब ये चिकन फ्राई हो गया है अच्छी तरीके से, अब हम इसको निकालेंगे। अच्छी तरीके से इसका तेल छान के निकाल लेंगे हम। इस कलर पे चिकन आना चाहिए दोस्तों, चिकन चिकन है ये, आराम से पक गया है इसको। अब इसका तेल सारे हम ऐसा करके तेल झाड़ देंगे। सॉस हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमें चिली चिकन बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको जितना स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से आप इस्तेमाल करें। हमें अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, या कम स्पाइसी चाहिए तो कम इस्तेमाल करेंगे। पहले डालेंगे इसमें अदरक, बारीक कटा हुआ अदरक। अब हम डालेंगे इसमें गार्लिक का चॉप डालेंगे थोड़ा सा। आप इसमें चिल्ली का इस्तेमाल करेंगे हम। आप कैप्सिकम ऑनियन दोनों ही डालेंगे। अब जो है हम इसमें चिल्ली पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। चिल्ली पेस्ट हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हल्का सा इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी इसमें हमने सॉस में लगाया था, ऑलरेडी जो है हम सॉस फ्राई करने के टाइम में लगा चुके हैं, तो इसको हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे। सोया सॉस भी 1 टेबल स्पून लेंगे। अब इसमें टोमेटो सॉस जो है, टोमेटो सॉस भी हम 1 ही स्पून लेंगे। 1 टेबल स्पून लें, ज़्यादा ना लें क्योंकि फिर ज़्यादा मीठा हो जाएगा। हल्का सा पानी डालेंगे। मसाला थोड़ा पक जाने के लिए हल्का सा पानी डाल देंगे इसमें। अब इसमें मसाला डालेंगे आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्च, थोड़ा हल्का सा शुगर का इस्तेमाल करेंगे। शुगर हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें सॉल्ट को जो है मेंटेन करेगा ये मीठापन के लिए नहीं डाल रहे हैं हम, सॉल्ट को मेंटेन करने के लिए। हमेशा चाइनीज़ खाना में हल्का सा शुगर जाता है। अब हम इसमें डालेंगे ब्रोथ पाउडर, थोड़ा ब्रोथ पाउडर डाल लेंगे इसमें थोड़ा सा। अब हम इसमें ब्रोथ पाउडर डाल लिए, तो आप इस ग्रेवी में हल्का सा हम कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे। बस हल्का सा कॉर्नफ्लावर इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें सॉस जो है लिपेट जाना चाहिए पूरा। अब हमारा चिली चिकन जो है बन के तैयार है दोस्तों, ड्राई चिली चिकन है। रेसिपी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।
बड़ा यम्मी सा टेस्ट है। चिली चिकन ड्राई जो है स्नैक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेन कोर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अब इस काफ़ी यम्मी टेस्ट है, पार्टी बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी हो, या कोई भी सेलिब्रेशन हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में बना के अपने फैमिली के लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों रेसिपी कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके। धन्यवाद दोस्तों।